रुकिए रुकिए रुकिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्यों भाई, ये तो फ्री में आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बाजार इनसाइट यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 1 जुलाई के लिए मार्केट के अंदर कैसे मूव रह सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और 3 स्टॉक को लेकर डिस्कस करेंगे। पहले बात तो ये है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पता है कि रोज मैं वीडियो डालता हूँ, तो कल भी आज के लिए एक वीडियो डाला था, जो कि आपने नहीं देखा तो मेरे वीडियोस के अंदर आपको जाके मिल जाएगा। 30th of June यानी कि आज के लिए मैंने कल वो डाला था, उसको देख लेना क्योंकि वीडियो के अंत में मैं उसको रिव्यू कर दूंगा, तो आपको आसानी होगा वो समझने से। पहले और एक बात कि आपको पता है यहाँ पर मैंने एक क्विज कॉन्टेस्ट का अरेंज किया हूँ, जिसका आज भी मैं एक सवाल करूँगा, और वहाँ पर जो आप में से जो सबसे ज़्यादा बार 10 सवाल आएंगे, ज़्यादा सबसे जो सही जवाब देंगे उनको मैं मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस जो कोर्स है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट करूँगा। तो बात है दोस्तों, आज का वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा, उसके बीच में सवाल आ जाएगा, तो उसमें 2 टर्म्स एंड कंडीशन है। पहले बात तो ये है, आपको उसको जवाब को सही आंसर देना पड़ेगा, और वो एक बार में, बार बार उसको जवाब को आप चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। सेकंड जो चीज़ है, मैं जो आप में से जिनको मैं सिलेक्ट करूंगा उसको मैं मेरा सब्सक्राइबर लिस्ट से सिलेक्ट करूंगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जवाब सही भी दे रहे हैं तो आपका नाम मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है? अब दोस्तों आगे चलते हुए आज के वीडियो के अंदर हम लोग चल पड़ेंगे। पहले बात तो ये है, निफ्टी के चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और निफ्टी के ऊपर आज हम लोग देखेंगे। निफ्टी ने आज आपने देखा ऊपर ओपन हुआ, मतलब पहला हाफ तो पूरा ऊपर ही ट्रेड किया, उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया और लगभग जहां पर कल क्लोजिंग देखे गया था उसके आसपास ही कुछ थोड़ा नीचे क्लोजिंग आया है, मतलब वो आप इग्नोर कर सकते हैं, फ्लैट सा क्लोजिंग आया है। लेकिन बात ये है कि ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं बार बार। लेकिन कल इसका वीकली एक्सपायरी है, मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग अभी ऑप्शन के अंदर काम करते हैं, हो सकता है उनके पास कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, सारे चीज़ें मतलब वहाँ पर पोजीशन ज़्यादा ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हो सकता है ये एक बार इसको नीचे आया ट्रैप करने के लिए और दोबारा कल ये ऊपर चल जाएगा। ये वीकली एक्सपायरी के टाइम में लास्ट कुछ हफ्ते में ये हो रहा है, मैंने इसको नोटिस किया तो आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर दिया। अब बात ये है, इसका जो सिचुएशन है अभी ये एकदम मतलब मौत की साइड पर एकदम खड़ा हुआ है, ठीक है? कल के लिए इसका जो सपोर्ट रहेगा, ये सपोर्ट यानी कि 15,675, ये अगर ब्रेक होता है तो ये स्ट्रक्चर ख़राब होगा और कहीं ना कहीं हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 15,550 का। तो देख के हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ये एरिया इंटैक्ट रहना चाहिए। फास्ट जो सपोर्ट मैंने बोला, अब ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस आप देखें, पहले रेजिस्टेंस इसका होगा जो रहेगा 15,800 के आसपास, और सेकंड रेजिस्टेंस इस टॉप के आसपास यानी कि 15,900 के आसपास। अब तो निफ्टी के चार्ट के अंदर हम लोग चल पड़ेंगे और देख लेंगे कल के लिए बैंक निफ्टी कैसे रहेगा। तो दोस्तों ये है आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, इसका अगर आप देखें हालत, ये भी सेम सिचुएशन में है, एकदम साइड में खड़ा हुआ है ये एरिया। ये जो लो लगाया था यानी कि 34,500 का इसका सपोर्ट रहेगा, ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये एरिया अगर ब्रेक हो जाते हैं तो ये जो हेड यहाँ पर, ये एक्चुअली में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। पहले सपोर्ट हम लोग का रहेगा 34,500, सेकेंड सपोर्ट जो रहेगा 33,900। ये दो एरिया को ब्रेक होना नहीं चाहिए, कल ही कल इसको ऊपर जाना है, ठीक है? अगर इसको ऊपर चलना है तो अब ऊपर की तरफ जो फास्ट इसका रेजिस्टेंस आएगा वो इस एरिया के आसपास आएगा 35,200 का, और वो अगर ऊपर काट जाते हैं तो कल ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मूव हो और कहीं ना कहीं ये 35,600 का इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहे, ठीक है? तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब हम लोग स्टॉक में जाएंगे, उसके पहले स्क्रीन पर देखिए मेरा आज का सवाल है, इस सवाल का सही जवाब आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए और एक बार में लिखिए और उसको एडिट मत कीजिए। सेकंड बात जो ये है, यहाँ से जो मैं सिलेक्ट करूँगा विनर का नाम जो सिलेक्ट करूँगा वो मेरा सब्सक्राइबर लिस्ट से रहेगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपका नाम मुझे वहाँ पर नहीं दिखेगा। हम कल पढ़ेंगे हम लोगों का जो फर्स्ट स्टॉक रहेगा कल के लिए, उसके अंदर देख लेते हैं कल के लिए फर्स्ट स्टॉक कौन सवाल में रहेगा। तो दोस्तों कल के लिए जो फर्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा ICICI लोम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस के अंदर। तो ये एक निफ्टी फाइनेंशियल का स्टॉक है और आप देखिए यहाँ से ये जो चलना शुरू हुआ था इसका पूरा आज जो नीचे आया
पूरा इसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है 50% वाला। यहाँ पर जाके इसने एक हैमर जैसा पैटर्न बना के क्लोजिंग दिया है, जो कि बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक के अंदर भी दिया है, बहुत बढ़िया है एक्चुअली में। और मुझे लगता है कल ये ऊपर भागने वाला है इस एरिया के आसपास से, ठीक है। तो ये अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज कल पॉजिटिव रहेगा, ICICI लोम्बर्ट को हम लोग बाय करके चलेंगे, लेवल मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। एक बात मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ। अगर आपको काम करना है, खुद के एनालिसिस कीजिए, और अपने कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसके साथ सलाह करके ही ट्रेड कीजिए। अब हम लोग चल पड़ेंगे हम लोग का सेकंड व्यू के ऊपर। उसके पहले आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं कुछ व्यू शेयर करता हूं, जहां पर अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कॉमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है, तो जाके टेलीग्राम चैनल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर जोड़ सकते हैं आप। और एक चीज़ देखिए, स्क्रीन पे देखिए, मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं जो खुद ट्रेड करता हूँ लाइव मार्केट में शेयर करता हूँ। ये पेड चैनल है, यहाँ पर अगर आपको ज्वाइन करना है, इसका 399 फॉर अ मंथ फीस है, वो पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, सारे चीज़ें लाइव मार्केट में रहता है यहाँ पर, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट देखिए, मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर बैंक निफ्टी ऑप्शन, यहाँ पर भी आज हम लोगों ने बहुत अच्छा कमाया है। यहाँ पर अगर आपको ज्वाइन करना है बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर, तो इसका 499 इसका फीस है, वो पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, जो भी आपको करना है आप मुझे व्हाट्सअप करके मेंबरशिप ले सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ेंगे हम लोगों का सेकंड जो व्यू रहेगा उसके ऊपर, देख लेंगे कल के लिए सेकंड जो व्यू कौन सा वाला में रहेगा। तो दोस्तों, सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा कोटक बैंक के अंदर। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला, बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक के अंदर ऐसे हुआ कि लास्ट में एक हैमर पैटर्न डोजी पैटर्न बना के क्लोजिंग हुआ है, तो ये भी उसमें भी सेम हुआ है लास्ट जो है 15 मिनट्स का कैंडल। लेकिन उसके पहले अगर आप देखें कोटक बैंक कितना बढ़िया तरह मतलब तरीके से ऊपर गया था, ठीक है। पहले तो इसने ऊपर काटा था, उसके बाद नीचे आया था। कल भी मैंने आप लोगों को इसको बाय करने के लिए बोला था, तो इसको लगे हाथ में रिव्यू भी कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना हाई लगा था, ह्यूज प्रॉफिट हुआ था। तो कल फिर से कोटक बैंक को हम लोग बाय करेंगे, इसी लेवल पे वापस आ गया, और कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास इसको हम लोग बाय करेंगे अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहेगा तो। मैं उसका जो लेवल है स्क्रीन पे दे दिया है, देख के काम कीजिए, अगर करना है तो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड व्यू में जाने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन के ऊपर काम करना, सारे चीज़ें ट्रेनिंग क्लासेस मैं अरेंज करता हूँ वहाँ पर, अगर आपको जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं। मेरा साइट है www.bazaarinsight.com, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको खोलिए। वहाँ पर तीनों टाइप का ट्रेनिंग सेशन है, जो भी आपको सही लगे वहाँ पर सारे करिकुलम और कितना आर्ट्स का होगा, क्या फीस रहेगा, सारे चीज़ें मेरे वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, और वहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वहाँ पर करने के लिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, व्हाट्सअप करके भी आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अंदर अब हम लोग थर्ड व्यू में चल पड़ेंगे और देख लेंगे कल के लिए थर्ड व्यू कौन सा वाला में है। तो दोस्तों, थर्ड व्यू रहेगा हम लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, फिर से एक बैंकिंग स्टॉक, कहीं ना कहीं ये भी बहुत स्ट्रांग मुझे लग रहा है। और ये आप देखिए पूरा लेवल का रिट्रेसमेंट किया है, और ये 38% तक अगर कल मिल जाते हैं हम लोगों को, बहुत बढ़िया बाई रहेगा कल इंट्राडे के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ओपन होने के बाद अगर ये लेवल मिल जाते हैं तो, अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव होगा तो इसको भी हम लोग बाय करके चलेंगे, लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अब देख लीजिए, देखने के बाद अगर आपको काम करना है अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का तीन व्यू, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना, सजेशन देना है तो कुछ देना, और अगर आपको कुछ बोलना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना है ज़रूर कीजिए, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा और अदर सब्सक्राइबर्स को भी कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, आगे का नोटिफिकेशन आपको। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं कल आफ्टर मार्केट आवर्स, तो तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।